नमस्कार एमपी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज आपके साथ शो में मैं हूँ श्वेता। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करने के साथ बताना चाहूँगी कि नमस्कार एमपी खास क्यों है। नमस्कार एमपी खास इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में आने वाले विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं, अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ले सकते हैं। जी, नमस्कार एमपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है। वो विषय इतने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे रोज़मर्रा और दैनिक ज़िंदगी में जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन हम वो विषय चुन के लाए हैं आपके लिए। खास आपसे बातचीत होगी और नमस्कार एमपी जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं इसी बात के साथ, आपको बता देते हैं कि आज का दिन खास क्यों है। जी हाँ, आज 26 नवंबर 2014 है, दिन है बुधवार, लेकिन अगर हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 2071 के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज है। तो चलिए इस पावन दिन पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का विचार क्या है। जी, आज का विचार है, संसार में वो सबसे ज़्यादा धनवान है जो अपने पास जीवन उपयोगी सामग्री कम से कम होने पर भी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि ही प्रकृति की सबसे बड़ी दौलत है। और ये खास विचार दुनिया को दिया सुकरात ने। जी, सुकरात जो थे वो यूनान यानी ग्रीस के सुप्रसिद्ध संत दार्शनिक थे और उनका मानना ये था कि ज्ञान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, आप सच को भी खोज सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये कि हमारे सामने जो बातें आती हैं या जो चीज़ें आती हैं उन्हें बार बार परखना होगा और अनेक बार परखने के बाद आप सच तक आराम से पहुंच जाएंगे। और उनका कहना ये भी था कि ज्ञान इस दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सद्विचार के साथ, आपको बताते हैं कि आज का दिन इतिहास में खास कैसे रहा। जी, आज के दिन में हम बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन सन 1870 में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। डॉक्टर गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। जी, आज ही के दिन सन 1921 में कालीकट में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। डॉक्टर कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से आज भी मशहूर हैं और दुग्ध क्रांति के जनक भी उन्हें कहा जाता है। और आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1960 में देश में पहली बार सब्सक्राइबर ट्रंक ड्राइलिंग सर्विस एसटीडी की शुरुआत कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू हुई थी। जी, आज ही के दिन सन 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया था और इस घटना को आज पूरे 6 साल हो चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नमस्कार एमपी में। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम में खास क्या है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कि आज नमस्कार एमपी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कलाकार सेगमेंट के अंतर्गत मोहन शुक्ला जी को। आइए उनका स्वागत करते हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में और आपके साथ हैं हिमांशु पवार तबले पर। जी मोहन जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे हम, आपसे बहुत सारे गीत भी सुनेंगे, आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार एमपी में, दर्शकों आपका परिचय मैं कराना चाहूँगी। आज की बात विषय पर हमारे साथ जो विशेषज्ञ आज आए हुए हैं उनका बहुत सारा स्वागत करते हुए, उन्हें अभिनंदन करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। और आप हैं अमिताभ अनुरागी जी, आप समन्वयक हैं, मीडिया सलाहकार भी हैं राज्य शिक्षा केंद्र सर्व शिक्षा अभियान में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि आज हम आज की बात सेगमेंट में किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। जी, आज हम बात करने वाले हैं शाला शिक्षा समुदाय की सहभागिता एवं शाला प्रबंधन समिति के बारे में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं मोहन जी की तरफ। जी मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बहुत खास दिन है, जैसा कि चतुर्थी भी है, बुधवार भी है और गणपति जी का भी दिन है, तो सबसे पहले आप क्या हमारे दर्शकों को गणपति वंदना सुनाएंगे? तो फिर देर किस बात की है। भवन में आओ जी गजानन, रणक भवन में
आज बचाओ हम जाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, मारा कीर्तन रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, गिरिधर नागर नटवर नागर, मोदक भोग लगाओ लगाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ, मारा कीर्तन रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, एक बहुत ही मधुर भजन की प्रस्तुति नमस्कार एमपी में मोहन जी द्वारा। और गणपति जी को याद करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दर्शकों, आपको बताते हैं कि आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि हमने चुना है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ अमिताभ अनुरागी जी हैं और हम लोग बात करने वाले हैं आज की बात में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात, और आज की बात में जो विषय हमने चुना है उससे मिलती जुलती बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये कि सर्व शिक्षा अभियान का जो ध्येय वाक्य है, यानी सब पढ़े सब बढ़े, उसमें सबसे खास बात यह है कि इस ध्येय वाक्य में जो सब शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो समाज, परिवार और सरकार सभी का साथ होना बहुत आवश्यक है। और जब स्पेशली बात हो रही हो 6 से 14 साल आयु के छोटे बच्चों की, तब तो सबका आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़े सहायक हैं आगे के भविष्य में। जी दर्शकों, आपसे बातचीत जारी रहेगी। सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत करते हैं अमिताभ अनुरागी जी का। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार एमपी में। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शाला प्रबंधन समिति क्या है। शाला प्रबंधन समिति अगर हम बात करें तो इसका हम पूरा नाम अगर एक बार फिर से इसको हम दोहराएं, शाला प्रबंधन समिति, और इसका संधि विच्छेद करें तो अपने आप में इन तीनों शब्दों को अगर हम अलग अलग लें तो बहुत स्पष्ट है कि एक ऐसी समिति जो शालाओं के प्रबंधन का काम करे वो शाला प्रबंधन समिति हम उसको मानेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट की बात हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसको हम अंग्रेजी में लग लें तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग भी इसको ऑफिशियली लैंग्वेज में SMC यूज करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। शाला प्रबंधन समिति को अगर हम अगर हम इसको देखें तो मैं दूसरे लहजे में अगर बात करूँ, शासकीय शब्दावली से अगर हट के हम बात करें और जिस प्रयोजन से शाला प्रबंधन समिति गठित की गई उसकी अगर हम बात करें तो शाला को हमको एक गवर्नमेंट सेक्टर रूप में ना लेते हुए अगर हम शाला को उस स्थान के रूप में लेते हैं जहां हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य तैयार हो रहा है, तो हमारे लिए बड़ी वो एक पवित्र स्थान हो जाता है। तो एक पवित्र स्थान के लिए हम अपने कर्तव्यों कि किस तरह से पूर्ति कर सकते हैं उसको प्रॉपर ढंग से मैनेज करके, वो शाला प्रबंधन समिति है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर बातचीत जारी रहेगी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 07552660049, एक टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आपसे दूसरा सवाल जानना चाहेंगे, आपने बताया हमें कि शाला प्रबंधन समिति क्या है, लेकिन स्कूल तो पहले से चल रहे हैं अनुरागी जी, और उसके बाद फिर ये मैनेजमेंट का कैसा आप एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया श्वेता कि स्कूल पहले से चल रहे हैं और अब शाला प्रबंधन समिति क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल पहले से भी चल रहे थे, हमारा समाज भी पहले था, मगर धीरे धीरे जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल, और अगर हम पहले की बात करें तो पहले कुछ एजुकेशन सिनेरियो कुछ दूसरा भी था जी, कि बहुत सारे बच्चे शालाओं से बाहर थे, बहुत सारे पालक ऐसे थे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। फिर जैसे जैसे हम
इन बच्चों के प्रति ज़्यादा चिंतित हुए जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो शालाओं से बाहर हैं, तो उनके साथ में हमको ये भी लगा कि एक तरफा प्रयास अगर हम सरकार का चाहें कि सरकार का एक तरफा प्रयास, सरकार स्कूल खोल सकती है, सरकार सुविधाएं मुहैया करा सकती है, मगर जो जिनके लिए है उनके लिए तो समुदाय को आगे आना पड़ेगा। तो सरकार, समुदाय और बच्चों के पेरेंट्स, उनकी सबकी सहभागिता में शाला प्रबंधन समिति का एक कॉन्सेप्ट लेके आए और उसके बाद शाला प्रबंधन समिति हर शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए हम लोगों ने तैयार किया। यानी कुल मिलाकर जन सहभागिता की बात की गई है, सहभागिता बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज, परिवार और सरकार तीनों साथ मिलकर आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर। दर्शकों का एक और सवाल पूछना चाहेंगे, इन समितियों की कोई वैधानिकता भी है क्या? श्वेता, अगर हम शिक्षा का अधिकार कानून की बात करें, जिसको हम कहते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जी, तो पूरी वैधानिकता इस अधिनियम के तहत इन समितियों को है। अधिनियम की जो धारा 21 का है उसकी एक उपधारा के अंतर्गत शाला प्रबंधन समितियों का गठन का प्रावधान है और पूरी वैधानिकता के साथ इन समितियों का गठन किया गया और इनको अधिकार दिए गए। जी बिल्कुल, दर्शकों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें टेलीफोन के माध्यम से आप हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए एक बार फिर से, और हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप नोट कर लें, 07552660049, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। नोट कर लिया ना दर्शकों आपने, तो चलिए हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ जो एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुरागी, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। हम अगला सवाल पूछना चाहेंगे, समिति में समाज और समुदाय की क्या भूमिका है? श्वेता, अगर हम समिति की बात करें तो समिति शब्द को जो मैं समझता हूँ या जिस भावना से हम लोग लेके चलते हैं, समनीति, एक समान नीति पे जो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम काम करें, वो एक कुछ लोगों का समूह, उसको हम समिति कहते हैं। और समिति में जहाँ समाज और समुदाय की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाला प्रबंधन समिति में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में हमारे शिक्षक साथी हैं, समाज और समुदाय के रूप में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतों के हमारे पंच हैं, नगरीय निकाय की अगर हम बात करें तो हमारे चुने हुए पार्षद उसमें हैं, माननीय पार्षदगण उसमें हैं, और सबसे बड़ी बात, समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अगर बात करें तो वो बच्चे जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, वो भी उसमें शामिल हैं, बच्चों के पालक भी उसमें शामिल हैं। तो एक वृहद रूप से सरकार, समाज और परिवार, बच्चों का, इन सब के प्रतिनिधि इन शाला प्रबंधन समितियों में सहभागी हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर जानी दर्शकों हमने, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पालकों की क्या जिम्मेदारी है बच्चों की शिक्षा के प्रति? पालकों की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पालकों की आती है। जी, अगर मैं अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजूंगा तो उसका संस्कारित होना या शिक्षित होना या समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी संभव हो पाएगा। हो सकता है पारिवारिक संस्कार बच्चा ग्रहण कर ले, बट जो एक समाज की धारा के साथ उसका सम्मिश्रण है, जो एक वैश्विक प्रगति के साथ उसकी कदम ताल है, वो बिना स्कूल जाए तो संभव हो नहीं सकता। बिल्कुल असंभव है ये तो। और जब तक बच्चे को उसके पालक स्कूल तक नहीं भेजेंगे या स्कूल भेज भी दिया तो स्कूल में बच्चा क्या करके आया या स्कूल में क्या चल रहा है, अगर इसमें पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं है या उनकी मॉनिटरिंग बच्चे पे प्रॉपर नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस समिति में सबसे बड़ी भूमिका में तो हमारे बच्चों के पालक गण हैं कि वो सबसे पहला काम बच्चों को स्कूल भेजें, दूसरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में बच्चे के शिक्षा के लायक माहौल है कि नहीं, उसके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लायक माध्यम कुछ है स्कूल में कि नहीं, या वो अपने बच्चे को जिस हिसाब से एक ग्रोइंग डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे नागरिक, अच्छा संस्कारिक नागरिक और प्रगतिशील समाज का हिस्सा बनाने के लिए जो पेरेंट्स की कल्पना है, उसमें हमारे स्कूल
सक्सेस हो पा रहे हैं नहीं, या वो सुविधाएं बच्चों को मुहैया करा पा रहे हैं नहीं, ये सारी देख रेख करना और उसके लिए प्रॉपर प्रबंध करना, बिल्कुल ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में पालकों की सबसे बड़ी भूमिका है। ये भी जानना चाहेंगे अमिताभ जी आपसे, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की मॉनिटरिंग करना पालकों का एक जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन बहुत अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद अशिक्षित हैं और जो बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जो मजदूर वर्ग में आते हैं, मजदूर श्रेणी में आते हैं, कृषक श्रेणी में आते हैं, तो क्या शाला प्रबंधन समितियाँ उनकी किसी प्रकार मदद कर सकती हैं? शाला प्रबंधन समिति का एक काम यह भी है कि इसमें हमारे अभी जो शाला प्रबंधन समिति में पालकों का मनोरंजन जिस हिसाब से हो रहा है उसमें मेरिटोरियस बच्चों के पेरेंट्स हैं, मतलब उसमें ऐसे बच्चों के पालक हैं जो जिनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब ऐसे बच्चों के पेरेंट्स उसमें आते हैं तो पालक हमारी जो शाला प्रबंधन समितियाँ हैं वो इन पालकों को एक नज़ीर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में पूरे गांव में, समुदाय में तो अपने सामने रखती हैं कि भाई देखिए ये इसलिए शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बन गए हैं या ये इसलिए साथ में हैं क्योंकि इनका बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसने टॉप किया या उसने अच्छे ग्रेड अच्छे अंकों से उसने उत्तीर्ण की है अपनी परीक्षा, तो अपने आप में वो जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनके लिए एक मोटिवेटर के रूप में ये लोग काम करते हैं, वो सामने आते हैं। इसी मोटिवेशन की ज़रूरत मैं समझती हूँ, और ये प्रश्न भी है मेरा कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे हम 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात करें, लेकिन 10-11 वर्ष की आयु से जो बच्चे आगे चले जाते हैं और जो कृषक वर्ग के हैं या मजदूर श्रेणी के हैं, उनके पालक उन्हें मजदूरी पर भेज देते हैं, तो इस स्थिति में क्या शाला प्रबंधन समितियाँ उन्हें मोटिवेशन देती हैं? शाला प्रबंधन समितियाँ जो हमारे एक स्कूल चलो अभियान होता है, ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जो स्कूली शिक्षा में स्कूल चले हम अभियान के साथ पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है, अनूठा काम करता है कि हर साल हमारे प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पंच पार्षद से लेकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक इस अभियान के तहत स्कूली शिक्षा जब शुरू होती है, हमारा सेशन शुरू होता है, उसके पहले स्कूल चलो अभियान में सड़क पर आते हैं, अपने अपने काम से निकल के सिर्फ इस काम में लगते हैं कि हर बच्चा स्कूल तक आए, स्कूल की सुविधाएं अच्छी हो, स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल हो, गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो तमाम सरकार अपनी सारी सुविधाओं के साथ सामने आती है और सारे जनप्रतिनिधि इसमें निकल के बाहर आते हैं और फिर वो समुदाय को एक अभिप्रेरित करने का, मोटिवेट करने का काम सब मिल के करते हैं। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन बात हमें यहाँ पता चली। नमस्कार एमपी में आज बातचीत हो रही है, आज का हमारा विषय है शालाओं में समुदाय की सहभागिता और शाला प्रबंधन समिति। दर्शकों ये कार्यक्रम अभी और भी जारी रहेगा, इसमें बातचीत जारी रहेगी, मनोरंजन जारी रहेगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बताना चाहूँगी कि आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 07552660049 और एक टोल फ्री नंबर है 1800233 0040। हमारे साथ हैं अमिताभ अनुरागी जी, तो आइए हम बातचीत को जारी रखते हैं। हमने यहाँ पर अमिताभ जी जाना, आपने हमें बताया कि समितियाँ क्या हैं, लेकिन अब हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहेंगे कि इन समितियों के क्या क्या काम हैं, क्या क्या कार्य ये समितियाँ करती हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जहाँ तक हम बात करें शाला प्रबंधन समिति की, तो शालाओं के प्रबंध के लिए जो भी काम है या शालाओं की बेहतरी के लिए जो भी काम है वो सब इन समितियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। फिर भी इनके बिंदु क्या क्या होते हैं? इसको अगर हम अगर मैं आपको पॉइंट्स में बात करना चालू करूँ तो शाला प्रबंधन समिति का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उसके शाला का जो कैचमेंट एरिया है या उसके शाला के आसपास के जो बस्ती मोहल्ले बसाहत हैं उन सब उस हिस्से के सभी बच्चे जो स्कूल जाने योग्य हैं वो स्कूल आएँ और स्कूल दाखिला लेने के साथ वो रेगुलर स्कूल में आए, मतलब सबसे पहले बच्चों का नामांकन हो, उसके बाद बच्चे स्कूल में रेगुलर नियमित उपस्थित हों, जब बच्चे आए तो उसके बाद बच्चों के साथ साथ उनको गुणवत्तायुक्त शिक्षा और शैक्षिक माहौल प्राप्त हो, ये शाला प्रबंधन समिति काम है, इसकी देखरेख करना शाला प्रबंधन समिति काम है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँ तो गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वो अपने स्कूल की अपनी शाला की एक पूरी योजनाबद्ध ढंग से उसको मॉनिटरिंग करने के लिए पहले मैनेजमेंट करें जी, ये शाला प्रबंधन समिति काम है, उसको हम लोग बोलते हैं शाला विकास योजना बनाना। तो शाला प्रबंधन समिति जो है वो अपनी शाला विकास योजना भी तैयार करती है, ये उनका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि बच्चों का नामांकन, बच्चों का ठहराव और उसके बाद शाला विकास योजना की हमारी शाला कैसे प्रगति करे। कैसे? जब बच्चे आ गया, बच्चे सब स्कूल में आ गए, समाज स्कूल से जुड़ गया, तो वो स्कूल
और वो सोसाइटी जो है वो अपने आप में एक परिवार बन जाता है जी। तो मेरा परिवार कैसे प्रगति करे, इसके लिए हम उस लक्ष्य को पहले साधते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम एक रोड मैप बनाते हैं उसको शाला विकास योजना बोलते हैं। और ये शाला विकास योजना का निर्माण शाला प्रबंधन समितियाँ करती हैं दोस्तों, और इसमें वो दो तीन तरह से अलग अलग काम करते हैं कि अभी जो हमारे पास शाला का एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सुख सुविधा है। बिल्कुल, हाँ भी ये बातचीत जारी रखेंगे अमिताभ जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है, और इसी बात पर हमारे साथ ग्वालियर से गुड्डन खरे जी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी जी नमस्कार गुड्डन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार एमपी में। मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में दो बच्चे हैं जिसमें से एक स्कूल जाता है जी हाँ, तो मतलब आधा सरकारी है और आधा प्राइवेट है। तो मतलब जो हमारे भैया हैं उन कस्टमर लोगों ने कल का उनको टाइम से तनख्वाह नहीं मिल पाती तो स्कूल में फीस नहीं पहुंच पाती, ना तो वो स्कूल में लेकर वो कोई बहुत पसंद करते हैं बच्चों को, और ना ही जो स्कूल में जो खाना मिलता है कल का, अब तो मतलब बच्चे फोन पर रखिएगा मत इनकी। और दूसरा बच्चा जो है 400 का हो गया है तो उसका ना मतलब है जन्म सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है तैयार हो पाया, कई जगह रिजेक्ट हो गया, अभी वो घर बैठा हुआ है जी। गुड्डन जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? नहीं मैडम, वो अभी उसका जन्म सर्टिफिकेट तैयार नहीं है, इससे स्कूल जा नहीं रहा। अच्छा, और स्कूल जाता है तो आधा सरकारी है आधा प्राइवेट है, जो डीएवी स्कूल है प्राइवेट है। गुड्डन जी आधा सरकारी आधा प्राइवेट आप जो कह रहे हैं तो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय होगा जो निजी संस्था द्वारा संचालित होगा। शासकीय है सर, शासकीय इस विद्यालय है, मतलब शासकीय है ये शासकीय अनुदान प्राप्त, ये शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय की बात कर रहे हैं। गुड्डन जी मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके साथ साथ दूसरे जो दर्शक अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि एक तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी भी विद्यालय में किसी भी शासकीय विद्यालय में शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बच्चों से किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती। अगर कोई शासकीय विद्यालय या कोई अनुदान प्राप्त शासकीय विद्यालय ऐसा काम कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं अपने जिला शिक्षा अधिकारी से, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक से, या सीधे राज्य शिक्षा केंद्र में आप हमारे पास आपकी शिकायत भेज सकते हैं। तो रही फीस की बात तो यहाँ आपकी समाप्त हो जाती है कि फीस समय पर नहीं भर रहे इसलिए बच्चों को वो स्कूल में नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये तो वो अपराध कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं, कि अगर वो सरकार से अनुदान भी ले रहे हैं तो और उसके बाद बच्चे से फीस लेते हैं तो ये इस अधिनियम के तहत ये आपराधिक श्रेणी में आता है और उनके ऊपर सजा का प्रावधान भी, उन पर दंड की कार्रवाई भी अपन कर सकते हैं इस मामले में। और दूसरी बात आपने कही कि आपका दूसरा बच्चा जो है वो किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट हो गया और घर में है जी, उसका शायद जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। जन्म प्रमाण पत्र का भी आज की तारीख में ये अधिकार स्कूलों में है कि स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हैं वो उसको जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। स्कूल में जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने का निर्णय पहले लिया जा सकता है, तो आप उसी स्कूल में संपर्क करें, उनके जो प्रधान अध्यापक जो प्रभारी अध्यापक जो होंगे आप उनसे बात करें, वो वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र की भी कोई बाध्यता नहीं होगी। अगर पेरेंट्स सर्टिफाइड करते हैं तो उस आधार पे भी स्कूल बच्चों की जन्मतिथि संशोधित करके उसको प्रवेश देगा जी। और जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे की आपने बात की है, अगर वो कुछ एक दो कक्षा पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हुआ है किसी कारण से और 14 वर्ष कम आयु का है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में हमारी कई योजना हैं, उनके लिए हम लोग गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, कुछ आवासीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। ये एक निश्चित समय अवधि के होते हैं कि बच्चों को आप वहाँ लेके जाएं या आप जिला परियोजना समन्वयक से बात करें, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक होंगे उनसे बात करें, वो आपको इन स्थानों के पते बताएंगे, इन विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के पते बताएंगे और आपके बच्चे को वहाँ दाखिला कराने में पूरी मदद भी करेंगे। ये प्रशिक्षण केंद्र इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ बच्चे को उसकी आयु अनुरूप, मान लीजिए बच्चा अगर 6 साल का बच्चे कक्षा 1 में आता है और आपका बच्चा 9 साल का है, उसको कक्षा 3री या 4थी में होना चाहिए, और वो 9 साल का अगर बच्चा है तो उनको उस आपके बालक को इन प्रशिक्षण केंद्रों में एक निश्चित टाइम फ्रेम में कक्षा 9 के लिए कक्षा 4 के लिए वो तैयार करेंगे, और जब वो उस कक्षा की कॉम्पिटिबिलिटी पकड़ लेगा उधर तक आ जाएगा पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसको फिर आप किसी रेगुलर स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं जो अपनी हम उम्र बच्चों के साथ कक्षा 4थी में पढ़ने लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुड्डन जी, आपने हमें कॉल किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि अमिताभ जी गुड्डन जी ने भी हमसे पूछा और भी हमारे दर्शक होंगे वो भी जानना चाहेंगे जी। शायद हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शेर सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जी।
जी शेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाजापुर से कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं जय सिंह राजपूत ग्राम पंचायत जिला शाजापुर से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं शेर सिंह जी। मैडम मैं ये कहता हूँ कि जैसे सरकारी स्कूल है जी, हाँ, वहाँ पे क्या टीचर जैसे बच्चों को ज्यादातर पढ़ाते नहीं, वो ऑफिस में एक अलग बैठे रहते हैं मैडम और टीचर, और मैडम के पास फोन रहता है तो वो गूंजती रहती है और बच्चे खेलते रहते हैं जैसे, तो सरकारी स्कूल पढ़ाई नहीं हो रही, तो मतलब हमारा ध्यान भी ऐसा जाता है कि अपने अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में कर दें। जी शेर सिंह जी, आप आपका सवाल काफ़ी अच्छा था, आपकी जागरूकता इससे झलक रही है जी। अब अमिताभ जी, जो हम पहले बात कर रहे थे जी, उस बात का एक जवाब का जो हिस्सा है वो शेर सिंह जी की बातों में से निकल जी, बिल्कुल, कि शाला प्रबंधन समिति का क्या काम है। जी शेर सिंह जी, ये आप ही लोग का काम है, आपके जो स्कूल की शाला प्रबंधन समिति है उसका काम है और समाज का समुदाय का काम है कि शाला प्रबंधन समिति जहाँ बच्चों को स्कूल भेजने के साथ उनकी नियमित उपस्थिति मॉनिटरिंग करती है, वहीं शाला प्रबंधन समिति का एक काम और एक दायित्व ये भी है कि वो शिक्षकों की नियमितता पर भी ध्यान दे और उनको भी इसके लिए प्रोत्साहित करे। अगर शिक्षक अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं या अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी विभागीय रूप से कार्रवाई की जा सकती है। शाला प्रबंधन समिति से आपकी संपर्क करें, आपके ही कोई दोस्त यार संगी साथी जो हैं वो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, उसमें सचिव उसमें सदस्य होंगे, आप उन लोग को साथ लें, उसकी शिकायत आप ऊपर तक करें। पहले तो समाज को इस हिसाब से कोशिश करना चाहिए कि आप खुद उन टीचर्स को मोटिवेट करें कि भाई अगर हम एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं या समाज को या मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में ले जाना चाहते हैं तो अपना अपना कार्य दायित्व निभाना हमारी ड्यूटी है और हमारा धर्म है। उसके बाद भी अगर शिक्षक साथी हमारे कुछ हिसाब से नहीं आते हैं साथ में आपके तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और इस तरह की शिकायतों को शिक्षा विभाग बहुत गंभीरता से लेता है। आप अगर राज्य शिक्षा केंद्र में भी हमको बताते हैं तो हम भी इस पर काम करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप आपके उस विद्यालय का और ग्राम का नाम हमें बता दें तो हम आज ही उस पर यहाँ से उस पर दर्ज करवा लेते हैं, उन शिक्षकों से बात कर लेते हैं भाई ऐसा क्या है कि शेर सिंह जी इतने नाराज़ हैं और शेर सिंह जी के साथ आपके गांव का भी नुकसान हो रहा है, ये भी शेर सिंह जी का अनुरोध था। तो अगर आप हमको वो बता दें या आप अपने अगर आपका फ़ोन कट गया हो शेर सिंह जी तो आप सुन रहे हो इस कार्यक्रम को तो आप अपने BRC और जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को जरूर इस बात की सूचना दें। हम उम्मीद करते हैं शेर सिंह जी, आपको इतना बढ़िया जवाब मिला है यहाँ से और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर अपनी जागरूकता बनाए रखेंगे और इस विषय में आगे कदम बढ़ाएंगे। चलिए दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपको मनोरंजन की दुनिया में ले चले जहाँ पर मोहन जी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए मोहन जी से कुछ बातचीत करते हैं और कुछ गीत भी सुनते हैं। जी मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत की दुनिया से आपका लगाव, आपका जुड़ाव कैसे हुआ? संगीत की दुनिया से सबका जुड़ाव है, पूरे जगत का जुड़ाव है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम संगीत में ही रहते हैं, हमारे दुख में भी सुख होता है गाने का, बिल्कुल, और भगवान तो वहाँ रहते हैं जहाँ भजन होते हैं। नाम स्वामी वैकुंठे नाम योगी नाम हृदय नवे मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी को यही कहते हैं कि जहाँ भजन होते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, बिल्कुल। अब आप जैसा चाहें, आपको जो भजन, हमारे दर्शक भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमें कोई बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मधुर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी लेना चाहे दे दे करना, दुनिया के मालना, दुनिया के मालना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, हमें दोनों ही पसंद है। धूप हो या छाओ, किसी भी दिशा में ले चलो जिंदगी की नाव, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने हमें यहाँ सुनाया, हमारे दर्शकों को सुनाया। मोहन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप प्रयास कर रहे हैं? ये बचपन से जुड़ा हूँ मैं, बचपन से। हमारे एक मंदिर जी, मेरे पिता ही सिखाते थे मेरे सामने बैठ के। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात। और ये बात कहते कहते मोहन जी भावुक भी हो गए। मैंने भावुक तो नहीं देखा, संगीत तो भावुक हो ही जाता, संगीत जो जानता है वो भावुक होता है, उसे कोई बीमारी भी नहीं होती, क्योंकि वो समय पर रो लेता है, हंस लेता है। जी, संगीत हमारे आदिवासी जो होते हैं, ये खुशी और दुख दोनों के समय जैसा भी व्यवहार करते हैं उसके कारण को कई बीमारियां नहीं होती। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ हमें जानने के लिए मिली कि संगीत एक औषधि के समान, औषधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमिताभ जी से। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल विकास योजना क्या है? स्कूल विकास योजना को हम, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि तीनों शब्दों को हम अलग अलग देखें। स्कूल विकास योजना यानी स्कूल अलग, विकास अलग और योजना अलग। योजना अलग, तो स्कूल के विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजना जी, उसको हम स्कूल विकास योजना बोलते हैं। अब ये मुझे लगता है कि आपके जहन में और दर्शकों के जहन में भी ये आ रहा होगा कि स्कूल विकास योजना बनेगी कैसे या इसको करेंगे कैसे जी। तो जो स्कूल विकास योजना का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है, कोई शाला का हम डेवलपमेंट कैसे करें, हमारे स्कूलों का विकास हम कैसे करें, इसको लेके योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ेंगे कि हमारा स्कूल एक बेहतर स्कूल बने या एक स्थापित स्कूल हो, उसकी पहचान हो कि एक प्रगतिशील स्कूल है या डेवलप्ड स्कूल है या इस स्कूल में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो जब हम शासकीय विद्यालयों की हम बात करते हैं और शाला प्रबंधन समितियों की जब हम बात करते हैं कि वो इस योजना को तैयार करती हैं, तो सबसे पहले तो एक ये भी है कि हम योजना तो हम खूब लंबी चौड़ी बना सकते हैं, मगर उस योजना को हम फुलफिल कैसे करेंगे, उस पर हम काम कैसे करेंगे। तो स्कूल विकास योजना बनाने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान में रखना होता है कि हमारी शाला के पास उपलब्ध संसाधन क्या हैं। सबसे पहले उपलब्ध संसाधन कि जो स्कूलों में आज की तारीख में स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट होता है, शाला रखरखाव निधि होता है, फिर शाला आकस्मिक निधि होता है, जितनी भी प्रकार की निधियां उस स्कूल को प्राप्त हो रही हैं, इन सबको प्रॉपर ढंग से मैनेज करने और उसको खर्च करने का अधिकार शाला प्रबंधन समिति के पास है। जी। सिर्फ टीचर या सिर्फ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलकर उसको अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जो भी स्कूल में संसाधन आ रहे हैं, कितना बड़ा भवन है, कितना बड़ा ग्राउंड है और क्या क्या है, ये सारी चीजों का रख रखाव ये सब शाला प्रबंधन समिति का काम है। जी बिल्कुल। तो वो अपनी सबसे पहले कि भाई मेरे पास ये संसाधन है, अब इससे मैं ये हम देख लें कि भाई मेरी टेबल में अभी ये सामान है, इसको हम कितने अच्छे ढंग से इस टेबल को हम डेवलप कर सकते हैं, सजा सकते हैं, जिससे हमारा टेबल अच्छा लगेगा। तो उस संसाधन को, जितने हमारे उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों के भीतर हम कितने अच्छे से हमारे स्कूल को डेवलप कर सकते हैं, सबसे पहला काम स्कूल डेवलपमेंट प्लान में हम ये करते हैं। बिल्कुल, हम इस प्लान के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पर्वत सिंह जी जुड़ गए हैं देवास से। जी जी पर्वत जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी पर्वत जी, आप अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। पर्वत सिंह जी, आपका, आप मुझे उस गांव का नाम बता सकते हैं जहाँ स्कूल लगते ही नहीं है? पालखा गांव जी। पालखा, पालखा ये किस विकास खंड का है देवास जिले में? बागली, बागली, बागली में है पालखा गांव। हाँ। प्राइमरी स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है? माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल है ये आपका। कब से नहीं लग रहा है ये स्कूल? सर ये तो वो जब से मास्टर बने जब से नहीं लगे, स्कूल का दरवाजे खोल रहते हैं, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, काम करने जाते हैं। ओहो, ये तो बड़ा अच्छा, मतलब चिंताजनक विषय है। पर्वत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल है, टीचर आते हैं बच्चों को, मगर बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल से बाहर रहे और खेती किसानी के काम कर रहे हैं? अच्छा, मास्टर जी स्कूल आते ही नहीं, ताला खोल के क्या रहते हैं? खेत में काम करने जाते हैं। पर्वत जी,
मैं आपको इसको हम भी यहाँ से अपनी तरफ से देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बागली में भी विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक है सर्वशिक्षा अभियान का, और देवास में भी डॉक्टर अनिल सिंह कुशवाहा आपके वहाँ जिला परियोजना समन्वयक हैं, DPC हैं, आप उनको भी शिकायत करिए। मैं भी ये कार्यक्रम समाप्त होते ही साथ, जैसे ही श्वेता जी मुझे आज्ञा देंगी अपना सेल फोन ऑन करने का, मैं पहला फ़ोन उनको ही लगाऊंगा और आपकी शिकायत वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जो शिकायत है बहुत जल्दी दूर होगी। मैं इसके साथ ही एक निवेदन श्वेता जी, मैं पर्वत जी से भी करना चाहूँगा। पर्वत सिंह जी, आपकी जो शाला प्रबंधन समिति है, आप पहले उनसे भी इस बारे में बात करें। आपके जो समिति उनके हिसाब से बना लेते हैं, मालूम नहीं पड़ने देते किसी को, उनके उनके वाले लोग को बना लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, वो समिति अपने हिसाब से नहीं बना सकती। ये हो सकता है कि समिति में जो आपके दोस्त मित्र या आपके अड़ोसी पड़ोसी उसमें शामिल हुए हों, उसमें सूचना नहीं की जाती। पर्वत जी, उसमें समिति में ये है कि जो बच्चे क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं उनके मदर फादर, और इसके अलावा इन समितियों में जो हमारी डिप्राइव कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे आरक्षित समुदाय के लोग हैं वो भी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, और आपके जो स्थानीय पंच होंगे वहाँ के वो भी होंगे उसमें, और आपके सरपंच द्वारा नामित एक कोई दूसरी अन्य महिला महिला पंच महोदया भी होंगी, आप उन लोग से बात करें, और सबसे पहले उनसे प्रेशर डलवाएं। वो देखिए, इस तरह के भी जो हालात होंगे तो सबका दायित्व है। आज की तारीख में तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं स्कूल चलो अभियान में इस चीज़ को लेकर चिंतित हो रहे हैं, तो कोई भी जनप्रतिनिधि होंगे वो तो सबसे पहले इस काम में आगे आएंगे, और अगर कोई अपने कर्तव्य प्रति लापरवाही बरत रहा है तो उसको उसके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई नियमानुसार हो सकती है वो तो अब होगी ही। आपने हम तक ये खबर पहुंचाई। बिल्कुल अनुराग जी, यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि कोई हेल्पलाइन नंबर है जिनसे वो संपर्क कर सके, सीधे संपर्क कर सके, शिकायत कर सके? हेल्पलाइन जो भी जो मत पर शासन का हेल्पलाइन नंबर आप उस पर करें शिकायत, उसमें भी शिक्षा के लिए वहाँ पे नंबर भी जानना चाहेंगे। वो नंबर अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, वो नंबर आपके माध्यम से अगले कार्यक्रम में आपको पहुँचा। कोई बात नहीं, हम कल नमस्कार MP में आपको नंबर जरूर बताएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। जी बिल्कुल जी। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमिताभ जी, आपने हमें इस सवाल का जवाब दिया, और पर्वत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सवाल को नमस्कार MP के माध्यम से सबके बीच में लेकर आए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, हम बातचीत यहाँ पर कर रहे थे स्कूल विकास योजना, स्कूल विकास योजना की हम श्वेता बात कर रहे थे, और सबसे पहले हमने वहाँ पर बात की जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं शाला में, उसको हम सबसे पहले ध्यान में रखते हैं। इसके बाद शाला विकास योजना बनाने में दूसरी कड़ी होती है कि जो संसाधन है इसके अतिरिक्त हम दूसरे संसाधन कुछ और जो सहजता से जुटा सकें, अब हम उसको भी ले लें। अभी तो मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं या एक आधा एकड़ का मैदान है, तो 100 रुपये में मैंने अपनी स्कूल की बिल्डिंग और वो मैदान वो उन सबको कर लिया, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ पैसा और कम पड़ रहा है या कुछ संसाधन और कम पड़ रहे हैं, तो मैं इतना तो मैं दूसरी जगह से हम मैनेज कर सकते हैं कि सरकार से हम अगर योजना बना के भेजेंगे तो इतना सरकार से मिल सकता है, या माननीय विधायक गण से हम निवेदन कर सकते हैं उनकी विधायक निधि से हमको कुछ मिल सकता है, या माननीय सांसद गण की सांसद निधि से कुछ मिल सकता है, तो वो उसके बाद भी हम उसमें लेके आते हैं। बिल्कुल। और फिर जहाँ हम संसाधनों की बात कर लेते हैं, भौतिक पक्ष तो हमारा इस शाला विकास योजना में तैयार हुआ, उसके बाद एक संज्ञात्मक पक्ष होता है हमारा शाला विकास योजना कि हम इसमें एकेडमिक डेवलपमेंट हम और कैसे कर सकते हैं, किस किस प्रकार से और चीजें जोड़ सकते हैं और इसे बेहतरीन बना सकते हैं कि जब भौतिक सुख सुविधा स्कूल की हमने प्लान कर ली, एक बार उसके लिए योजना बना ली, उसके बाद जो सबसे सुख सुविधा के जो बिंदु हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, शाला भवन की रंगाई पुताई है उसका मैनेजमेंट है, शौचालयों का हमारा जो बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय स्कूल में हो जाएं वो फंक्शनिंग हो, उसमें यूजफुल हो, बच्चे उसको यूज़ करें, उसमें पानी की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की उसमें व्यवस्था हो, शाला का परिसर हमारा साफ सुथरा रहे, रंगाई पुताई रहे, अच्छी नीट एंड क्लीन वातावरण रहे शालाओं का, क्लासरूम जो हैं वो अच्छे हों। जी बिल्कुल, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं आगर जिले से, गोपाल जी जुड़ गए हैं। जी गोपाल जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी गोपाल जी, गोपाल जी आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें जी, और फोन से हमें सुने। हाँ।
जी आवाज आ रही हो? जी 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 अरे मैडम अपने यहाँ मिडिल स्कूल है जी जी आप, जी आप अपना सवाल जारी रखिए गोपाल जी। हाँ ग्राम अपना मिडिल स्कूल है अपना जी, उसमें गुरु को पढ़ाने वाला अच्छी शिक्षक जो लगा रहे हैं वो एक ही शिक्षक है उसको पढ़ाने के लिए, मतलब मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जी, तो उसमें हमारे अच्छी शिक्षक को अच्छी की शिक्षा को द्वारा पढ़ाया जा रहा है जी, तो उसमें शिक्षक की पूर्ति कौन करता है, मतलब कई बार हमने यहाँ के डीओ ने हमारे ब्लॉक अधिकारी शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आप शिक्षक की व्यवस्था करो, जो यानी कि आपका सवाल जो है हम जैसा समझ रहे हैं कि शिक्षकों की व्यवस्था में शायद कुछ, श्वेता जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, गोपाल जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका जो सवाल, सवाल है वो ये है कि आपके यहाँ माध्यमिक विद्यालय है ग्राम अम्बापुरा का और उसमें एक गुरुजी हैं और उसके बाद अतिथि शिक्षकों से शिक्षकी काम लिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है। जी हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं जी हाँ। है ना, तो गोपाल जी इस मामले में हम बता आपको मैं सूचित करना चाहूँगा कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में हम एक बड़ी संख्या में, हम लोगों ने अगले आने वाले सालों का भी आकलन किया है कि उस समय तक कितने हमको आने वाले 3-4 साल बाद तक कितने शिक्षकों की ज़रूरत होगी और उस लिहाज से सरकार शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, ये सभी शिक्षक बहुत शीघ्र आ जाएंगे, अभी कुछ दूसरे प्रयोजन हैं, आचार संहिता लगी हुई है नगरीय निकायों की विशेषकर पंचायतों, बट बहुत जल्दी जैसे ही हमारे सामने वैधानिक प्रश्न समाप्त होंगे और इसके बाद हम तत्काल इस पर शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और बहुत जल्द आपके विद्यालय में भी नियमित शिक्षक वहाँ आ जाएंगे, मगर शिक्षक नहीं हैं और अतिथि शिक्षक अगर हैं तो कुछ नहीं से कुछ सही वाली तर्ज पे ये काम किया जा रहा है कि अगर शिक्षक ही नहीं होगा कोई तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा ना आप लोग का, इसलिए तब तक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा रही, जैसे नियमित शिक्षक आपके आ जाएंगे जब तक अतिथि शिक्षकों को आप मोटिवेट करिए कि भाई आप लोग थोड़ा अच्छे से बच्चों पढ़ा लें, और अतिथि शिक्षकों को भी हम लोगों ने सीधे सीधे ऐसे नहीं रखा है स्कूलों में, जो अतिथि शिक्षक आए हैं उनका भी अनुभव देखा गया, उनको भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया, फिर वो अपने विषय को लेकर आपके बच्चों के बीच में आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अमिताभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आज 26 नवंबर है और आज के दिन को हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में भी मना रहे हैं जी हाँ। एक छोटी सी लाइन आपसे कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि वृक्ष धरा का है श्रृंगार, इससे करिए सदा प्यार, इनका इनकी रक्षा है धर्म हमारा, ये है जीवन का आधार। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो अभी की स्थिति है, हम अपने स्वार्थ में आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं कर रहे हैं, साल दर साल बारिश कम हो रही है, भूजल स्तर कम हो रहा है और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और इससे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का सामना हमें करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं करना है, हमें एक छोटी सी पहल करना है, अपने आप को एक मौका देना है और एक इस छोटी सी समझदारी से हम अपने पर्यावरण को, हमारे वातावरण को तरोताज़ा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और हरियाली से हरा भरा बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एक पेड़ लगाना है। वैसे भी कहा जाता है कि एक पेड़ लगाना एक यज्ञ के बराबर होता है, तो हम क्यों ना ये पुण्य काम करें, एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें और इससे हमारी प्रकृति आपका तहे दिल से भी शुक्रिया करें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं रोजनामा की तरफ जी। रोजनामा में आज हम जानेंगे कि नदी तालाब के आसपास रखी जाने वाली स्वच्छता के बारे में। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि नदी तालाब का जल घरेलू, कृषि, उद्योग, ऊर्जा आदि में इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए अनमोल है। किसी भी प्रकार का रासायनिक कचरा, कूड़ा आसपास या नदी तालाब में फेंकने से बचें एवं दूसरों को भी ना फेंकने दें जी। नदी तालाबों के किनारे शौच, स्नान एवं कपड़ों की धुलाई ना करें। जानवरों आदि को भी नदी जलाशयों में नहाने से बचें जी। मूर्ति विसर्जन ना करें क्योंकि उनके रंगों में भारी धातुएं होती हैं, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर। और बिना मुंडेर वाले कुओं के पास किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने दें, इससे पीने का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता, वो प्रदूषित हो जाता है जी। ये भी बताना चाहेंगे कि बीमारियों का सीधा संबंध गंदे पानी से होता है। गंदे पानी और गंदगी से डायरिया, टाइफाइड, बुखार, हेपेटाइटिस ए, ई और एफ,
फ्लोरोसिस, आर्सेनिक जनित बीमारियां जैसी अनेक बीमारियां फैलती हैं। और नदी तालाब के किनारे गंदगी ना करें और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कचरा कूड़ा ना फेंकें, और ये हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी कार्यक्रम जो है वो हम बातचीत कर रहे हैं, कार्यक्रम में हमारे साथ अमिताभ अनुरागी जी हैं, हमारे साथ मोहन शुक्ला जी हैं, और कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, गोपाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ मंदसौर से। जी गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार एमपी में। जी नमस्कार मैम। जी जी, मेरा सवाल है सर से। जी जी, आप अपना सवाल। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लगाए 4 साल हो गए, वो बच्चों को दिखाने के लिए उसको डेमो करके 4 साल पहले लगाया था। जी, उसमें बैटरियों डबल 1 किलोवाट के या 5000 वाट के इन्वर्टर दो लगाए थे, आज तक उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसमें पानी जब 15 अगस्त आती, 26 जनवरी आती, तो वो लोग फिर उसको देखते, फिर चार्जिंग कराते। कई बार तो मैंने खुद अपनी दुकान पे चार्जिंग करा, तो इससे ये लोग उन चीजों को मेंटेनेंस क्यों नहीं रखते। बिजली की व्यवस्था जब 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो फिर बिजली चालू करते, फिर अपना माइक लाउड स्पीकर चालू करते। हमेशा बिजली उपलब्ध होना चाहिए स्कूल के अंदर, ताकि कोई कार्यक्रम आयोजित हो, क्रिकेट हो, उसके लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इन्वर्टर सही सुचारू रूप से काम करे तो अचानक बिजली चली जाती है। ऐसे कोई जैसे कलेक्टर आए हैं, जैसे कोई पंचायत की बैठक हो उस भवन में, तभी जाके वो लोग बिजली की व्यवस्था करते, लेकिन बिजली बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल बंद पड़ी रहती है, और इन चीजों का कोई मेंटेनेंस नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और अनुराग जी, इनके प्रश्न में मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि ये सारी जिम्मेदारियां भी शाला प्रबंधन समितियां ही करती हैं, पूरी करती हैं। ये सभी स्कूल की व्यवस्था जो भी व्यवस्था है, ये सब शाला प्रबंधन समितियों का अपना काम है। और जहाँ पहले मैं गोपाल जी की बात का या उनके प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा श्वेता, कि जहाँ उन्होंने कंप्यूटर्स की बात की है, तो कंप्यूटर्स हम लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो अभी स्मार्ट क्लासेस चालू हुई हैं वहाँ भी पहुँचे हैं। बट 4 साल पुराने कंप्यूटर की अगर बात कर रहे हैं गोपाल जी, तो ये हेड स्टार्ट योजना के कंप्यूटर्स होंगे, और उसके साथ में UPS भी गए होंगे, जो जिनको बैटरी अभी बता रहे हैं। तो UPS भी देखिए होता बिजली से चार्ज है। बिल्कुल। अगर बिजली की व्यवस्था अवरुद्ध है वहाँ या कुछ फॉल्ट आ रहे हैं उसमें, तो कोई चीज़ ख़राब होगी। मगर कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी एल्यूएन या शासकीय सप्लाई एजेंसी थी उसके साथ में जो जिसने सप्लाई किया है उसके साथ एक AMC भी इन कंप्यूटर्स की कराए जाने के निर्देश हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वार्षिक रख रखाव का ठेका भी इन कंप्यूटर्स का संबंधित समितियों को दिया गया है कि वो आए और इसको वार्षिक रूप से ठेका जो उसमें जो भी उनके मिनिमम चार्जेस हैं उसके आधार पर साल भर उसकी देख रेख करें। अगर वो चीज़ आ रही है तो ये भी फिर घूम फिर के बात आती है कि हमारी शाला प्रबंधन समिति उसको देख रही है कि नहीं देख रही है, कि भाई अगर सिस्टम बंद पड़ा है, कंप्यूटर बंद पड़ा है, तो टीचर से पूछे, जो हेड स्टार्ट के हमारे वहाँ टीचर हैं उनसे पूछे, भाई बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये तो है बच्चों के लिए, बच्चों सीखने के लिए। तो स्कूल का जो उनका देख रेख का काम है उसमें एक काम ये भी जुड़ जाता है कि वो स्कूल में उपलब्ध संसाधनों को कि उनकी जो कार्यप्रणाली वो सुनिश्चित करें कि भाई हर चीज़ जो स्कूल में है वो ढंग से काम कर रही है, वो करती रहे। और ये जो समितियों का गठन होता है अनुरागी जी, ये क्या देख के किया जाता है, किन बिंदुओं को ध्यान में रख के किया जाता है, और इनके कर्तव्यों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। शाला प्रबंधन समितियों का जो अभी स्वरूप है हमारे यहाँ, जो 2015 तक रहेगा, 2 साल के लिए शाला प्रबंधन समितियाँ गठित होती हैं। जब भी इनका होता है गठन, तो 2 साल की कार्यावधि इनकी होती है शाला प्रबंधन समितियों की। और अभी जो स्वरूप है उसमें समाज की और समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में जो उस वार्ड के स्थानीय पंच हैं, जिस वार्ड में वो स्कूल है वो पंच या पार्षद, वो उसके एक मेंबर हैं। इसके अलावा महिला प्रतिनिधित्व के रूप में, महिला नेतृत्व के रूप में जो भी उस स्थानीय निकाय के प्रमुख हैं, अगर ग्राम पंचायत है तो सरपंच जी, या नगरीय निकाय है तो उसके अध्यक्ष या महापौर जी, इनके द्वारा नामांकित कोई दूसरी वार्ड की महिला पंच या महिला पार्षद, वो उसकी मेंबर होंगी। 2 तो हमारे जनप्रतिनिधि माननीय पंच या पार्षदगण उसमें होंगे। इसके अलावा जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जी हाँ, जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर हम बात करें तो टोटल 18 सदस्यीय समिति होती है, माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो वहाँ 16 सदस्यीय समिति होती है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, कक्षा 1, 2, 3 और 4 के जो टॉपर हैं, जी हाँ, उनके पेरेंट्स जो हैं, मदर और फादर, उनके मम्मी और पापा दोनों,
वो उसके सदस्य होंगे। इसके अलावा सामुदायिक रूप से हर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहे, तो उसमें जो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उन परिवारों के। अमिताभ जी, इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं टेलीफोन लाइन पर। हमारे साथ अनुपम कश्यप जी हैं, माफ कीजिएगा। आइए अनुपम कश्यप जी से आज के मौसम का हाल जानते हैं। जी नमस्कार कश्यप जी। जी मेरा नाम अनुपम कश्यप। जी हाँ, बात यह है प्रदेश में अभी जैसे कि नॉर्थ एरिया चंबल ग्वालियर जी हाँ ये सब जगह पे थोड़ा सा तापमान बढ़ने का एक दो डिग्री बढ़ जाने का उम्मीद है जी। बाकी प्रदेश जो है तापमान मोरने जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अभी जैसे कल बताया कि एंड ऑफ दिस मंथ ये तापमान फिर से फॉल होने का उम्मीद है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी जम्मू कश्मीर के ऊपर है जी हाँ। उसका इफेक्ट हमारे प्रदेश में आते आते एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली फर्स्ट सेकेंड ऑफ दिसंबर ऐसा जगह पे हो जाएगा। तो प्रदेश अभी ठंड तो है, लेकिन नेक्स्ट फेज जो है वो ओपीडीएस में ही आएगा। और ठंड के बारे में ज्यादा कश्यप जी ये बोलना चाहूंगी कि चिंता का कारण कैसे नहीं है, लोगों ने तैयारी कर ली है, स्वेटर्स निकाल लिए हैं, मफलर निकाल लिए हैं कि हम स्वेटर्स पहने मफलर्स पहने, लेकिन जो सर्दी है जो ठंड है उसने अभी तक दस्तक नहीं दी है, चिंता का विषय तो है ये। जी यानी कि लेकिन नॉर्मल से कम है जी, स्टेप भी नॉर्मल से कम है जी। और ये बार देखे होंगे कि मानसून आने में भी थोड़ा देर हुआ, तो जैसे आने में देर हुआ जाने के बाद भी कुछ नमी प्रदेश में रह गया था बिल्कुल, जिस वजह से ये तापमान डाउन होने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मुझे पहले बताया चिंता का कारण नहीं है जी, दिसंबर से जी बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद कश्यप जी आपका, आपने हमसे बातचीत की और मौसम का हाल बताया। यानी कि हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अभी भी थोड़ा सा वक्त और है ठंड के आने में, यानी अभी आप और तैयारियां कर सकते हैं गुलाबी सर्दियों के स्वागत के लिए। जी चलिए बातचीत जारी रखेंगे। जी हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर प्रबंधन समिति की, कौन कौन लोग होते हैं जी बिल्कुल। श्वेता मैं एक बार फिर से कुछ बहुत जल्दी से जो पहले अपन बात कर चुके हैं वो उसमें ले आऊँ कि प्राइमरी स्कूल के लिए 18 सदस्य होते हैं एसएमसीज में, और मिडिल स्कूल्स में 16 सदस्य होते हैं। इसमें से दो सदस्य चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जो पंच या पार्षद होते हैं हमारे। स्कूल के जो हेडमास्टर हैं जो वरिष्ठतम शिक्षक हैं वो उसके सदस्य सचिव होते हैं, और जो वरिष्ठतम महिला शिक्षिका हैं वो उसमें एक सदस्य के रूप में होते हैं, सदस्य की भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के जो ओवरऑल टॉपर हैं, अगर प्राइमरी स्कूल बात करें कक्षा 1 से 4 में जिस बच्चे के अनुसूचित जाति के बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसके पेरेंट्स होंगे, और अनुसूचित जनजाति के जो भी ओवरऑल टॉपर होगा उसके पेरेंट्स होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने हमें बताई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े अनुरागी जी, और आपने हमारे दर्शकों को और हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी सारी जानकारियाँ दी और इतने सारे कॉलर्स के जवाब दिए, उनके आंसर्स दिए और उन्हें सही रास्ता दिखाया। हाँ, मैं भी आप लोग के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि इस विषय पे मैं दूरदर्शन का जो इतना बड़ा परिवार है मध्य प्रदेश दूरदर्शन का, उन सभी दर्शकों के साथ बात कर सकूँ, और आपके इस सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। जी दर्शकों, अब समय हो गया है कि हम आपको अपना पता बता दें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता। जी हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार एमपी, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462013, और हमारा ईमेल आईडी है namaskarmp@gmail.com। हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। चलिए अब आपको हम छोड़े जा रहे हैं मोहन जी के साथ, जो आपको एक खूबसूरत भजन यहाँ पर सुनाएंगे। नमस्कार एमपी। गोवर्धन गिरिधारी जी,
सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी, लेना हमारी सुध, लेना हमारी गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छबि न्यारी जी, सुध लेना हमारी, कुंडल की छबि न्यारी जी, सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले, प्रभु बिन मोरी कौन खबर ले, हरि बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी। भरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, भरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, लाज रख लो हमारी जी, लाज रख लो हमारी जी, सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधारी जी, सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, लाज रख लो हमारी।